नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो है बीएड और एमएड कैंडिडेट्स के लिए जो एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं और जिन्हें कन्वर्जन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बीएड और एमएड के एडमिशन साइट के ऊपर ये सैम्पल दिए गए हैं, जिसकी मदद से कैंडिडेट जो है वो उनके जो मार्क्स है वो कन्वर्जन कर सकते हैं। इन कन्वर्जन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि कुछ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी के मार्कशीट के ऊपर डायरेक्टली परसेंटेज नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ मार्क्स दिए हैं या फिर ग्रेड पॉइंट दिए हैं, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि कैप राउंड के जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, उसमें हमें उनके परसेंटेज सही सही डालना ज़रूरी होती है। क्योंकि वो मार्कशीट के ऊपर नहीं है, तो मैन्युअली कैलकुलेट किस तरह से किए जा सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सैम्पल कॉपी के दो ये फाइल्स यहाँ पर दिए हैं। तो मेरे आप से यही सुझाव है कि आप ये डाउनलोड कर लीजिए और खुद देखिए, पूरी तरह से समझिए, और जिस भी सैंपल में आपका मार्कशीट है उसी सैंपल के हिसाब से कन्वर्जन करके आपको ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपके फाइल के, आपके मार्कशीट के फाइल के साथ अपलोड करना है। ये बीएड की साइट है ba.heprawesh.in। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में ये मिल जाएंगे या फिर गवर्नमेंट गैजेट्स और जीआर में भी ये मिल जाएंगे। ये है एमएड की साइट, एडमिशन की साइट emed.heprivate.in। यहाँ पे भी ये सैम्पल कॉपी जो है कन्वर्जन की यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और इसके हिसाब से आपको कन्वर्जन करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये फाइल डाउनलोड कर ली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या है। पहले मैंने ये फाइल ओपन की है, जो बताती है कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को किस तरह से किया जाए। अगर आपके मार्कशीट के ऊपर परसेंटेज नहीं है तो ही आपको कन्वर्जन करना है। अगर आपके मार्कशीट के ऊपर परसेंटेज यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए हुए हैं तो आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए, अगर परसेंटेज नहीं है तो क्या करना है, इस तरह से करना है। यह है डिग्री मार्कशीट, कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर डिग्री प्रोग्राम। आपको जो जो भी एग्जाम आपने पास की है उसका नाम, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी आपका नाम और कॉलेज का नाम, आपको ये परसेंटेज करने हैं। अगर आपका सेमिस्टर पैटर्न है ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको सेमिस्टर पैटर्न के हिसाब से कितने मार्क्स मिले हैं, वो सारे 6 सेमिस्टर के लिए आपको कितने मार्क्स मिले और उनके आउट ऑफ कितने, इस हिसाब से आपको ये टोटल करनी है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड और थर्ड ईयर के ही मार्क्स सिर्फ मार्कशीट डिग्री के सर्टिफिकेट के ऊपर आती है। यह जो रूल दिया गया है, इसके हिसाब से हमें सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 के भी मार्क्स इसमें इंसर्ट करके कैलकुलेट करना है। अब इससे होने वाला ये है कि आपकी जो SY और TY के मिलकर जो आपकी डिग्री है उसके ऊपर परसेंटेज अलग आएंगे और यहाँ पर परसेंटेज अलग आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट के साथ ही आपको मार्कशीट भी अपलोड करनी है। आपको ये मार्क्स भरने के बाद यहाँ पर कितने मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स कितने और ऑप्टेन मार्क कितने और उसके हिसाब से परसेंटेज कितने, ये यहाँ पे हमें लिखना है। आपको यहाँ आपका खुद का नाम लिखना है और यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आपकी जो है डिग्री का यहाँ पे नाम डालना है। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है फर्स्ट ईयर ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स, मतलब बीएड के लिए। तो ये जो है आपको यहाँ पर, अगर यहाँ पर अलग आता है तो आपको जिस डिग्री के लिए आप एडमिशन ले रहे हो उसके लिए उसका नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा और आपका नाम आएगा। अगर आपके ये ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में अगर आपका ईयरली पैटर्न है तो इस तरह से आएगा, आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, उसके टोटल के हिसाब से आपको परसेंटेज करने हैं। अब यहाँ पे भी वही इश्यू सेम है कि आपको हो सकता है आपके डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर सेकेंड और थर्ड ईयर के मार्क्स है, तो आपको FY के भी यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं और उसके हिसाब से परसेंटेज करने हैं। तो आपका एक्चुअल जो मार्कशीट के ऊपर परसेंटेज है डिग्री के लिए वो अलग हो सकता है शायद, और यहाँ पे अलग आने वाले हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से ये काम करता है।
अब आपको यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हो तो आपको FY की भी मार्कशीट अपलोड करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके हमने मार्क्स दिए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो आप जब ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हो तो आपको एक ही फाइल में FY की मार्कशीट, देन SY की, TY की और कन्वर्जन, इस तरह से हमें एक ही फाइल में देना है। अगर आपके पास आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्कशीट और कन्वर्जन सर्टिफिकेट को एक ही PDF फाइल में बनाना है, ये आपको बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना होगा। और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आउट ऑफ कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले और उस हिसाब से कितने परसेंटेज होते, ये आपको मैन्युअली लिखना है। अब ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, ये PDF फाइल में आपको ये कन्वर्ट करना होगा वर्ड फाइल में, और उसकी प्रिंट आउट लेनी होगी, या फिर आप इसी तरह से मैटर टाइप करके खुद की भी वर्ड फाइल बना सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको ये मैन्युअली हाथ से लिखना है, और हाथ से आप, क्योंकि आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। अब जैसे कि अगर आप इसी की ले लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर LLB लिखा हुआ है, लेकिन आपको अब आप BEd के लिए एडमिशन चाह रहे हो, MEd के लिए चाह रहे हो, तो आपको उस कोर्स का नाम यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव फिल्ड दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू। तो यहाँ पे आप BEd या MEd ये आपको लिखना है, यहाँ से आपको ये डिलीट करना है, और फिर आपकी सिग्नेचर आएगी और आपका नाम आएगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कन्वर्जन इस तरह से आएगा। अगर सेमिस्टर पैटर्न है तो सेमिस्टर पैटर्न के हिसाब से आपका चारों सेमिस्टर्स के मार्क्स आएंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको परसेंटेज निकालने हैं। और यहाँ पे याद रखिए, आपको यहाँ पर आपकी जिस डिग्री के लिए आपको BEd MEd के लिए एडमिशन चाहिए उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए, आपका कैंडिडेट का नाम और सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा ईयरली पैटर्न में, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके लिए ये सारी जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी, आपके पास है ही मार्कशीट के ऊपर। उसके बाद फर्स्ट ईयर के मार्क्स, सेकेंड ईयर के मार्क्स, उनकी टोटल बनाकर आपको परसेंटेज निकालने, जिससे रेगुलर फार्मूला से हम करते उसी तरह से हमें करना है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपको जिस डिग्री के लिए आपको चाहिए उस डिग्री का आपका नाम आएगा, BEd या MEd यहाँ पे आएगा, उसके हिसाब से उसके बाद आपका नेम आएगा और सिग्नेचर आएगा। तो ये आपको फॉर्मेट टाइप भी कर सकते हो, या इसी फाइल को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो वर्ड फाइल में। इस तरह से हमें डिग्री के मार्क्स के कन्वर्ट करने करने हैं, और उसी हिसाब से हमें उसी वही मार्क्स हमें वही परसेंटेज हमें कैप राउंड के जो एडमिशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें करना है। वही बात है, अगर हमारे पास जो SSC बोर्ड के, अगर 10th क्लास के अगर परसेंटेज नहीं है हमारे मार्कशीट के ऊपर, तो किस तरह से करना है उसका भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। वो दूसरी फाइल में, एक फाइल डिग्री के लिए है और दूसरी जो SSC के लिए है, मतलब 10वीं कक्षा के आपके मार्कशीट के ऊपर अगर परसेंटेज नहीं है तो आपको किस तरह से करना है, बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें पहला, अगर आपका CBSE बोर्ड का है तो CBSE बोर्ड की मार्कशीट एक यहाँ पर सैंपल दिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी है जो मैंने अभी आपको बताया, कि आपको ये मार्कशीट के साथ ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक ही PDF में अपलोड करना है। मतलब एक ही PDF फाइल में दो तीन पेजेस आएंगे, एक पेज आएगा मार्कशीट का और दूसरा पेज आएगा कन्वर्जन का। ये सैंपल यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से आपका CBSE बोर्ड का, अगर 10वीं कक्षा का आपके मार्क्स आप देखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज हमें लिखने जरूरी है, इसलिए इसको कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए कन्वर्जन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें मैन्युअली जो भी मार्क्स मिले, जैसे कि ये मार्क्स यहाँ से लिए है, ये जो मार्क्स मिले 76, 67, 76, तो ये यहाँ पर लिए है, और इनकी टोटल करके उस हिसाब से सिंपली जिस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज निकाले, तो ये यहाँ पर परसेंटेज आ गए। अगर आपके पास CBSE बोर्ड का ओल्ड अगर सर्टिफिकेट है इस फॉर्मेट में, तो इसको कैसे करना है मार्क्स, तो इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। ये जो ग्रैंड पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, ग्रैंड टोटल के जो ग्रेड पॉइंट दिए हैं, इसको हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला के साथ करना है। आप इस फॉर्मूला अपने सामने रखिए और इस हिसाब से कन्वर्ट कीजिए। आप सिर्फ ये वीडियो मत देखिए, इसके माध्यम से सारे चीज़ें मत सीखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल फाइल आपको पढ़नी है, खुद पढ़नी है, और उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करने हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है एक सब्जेक्ट का किस तरह से परसेंटेज निकालना है और ओवरऑल किस तरह से निकालना है। तो ये फॉर्मूला में से आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो सिर्फ यहाँ पे आपको डालना है। आप इसको डाउनलोड करने वाले हो
तो यहाँ पे सिर्फ आपके जो मार्क्स मिले आपको वो डालने, ये 9 है, ये 9, ये 9, ये 9, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, इस हिसाब से आपको सिर्फ ये मार्क्स आपको फिल करने हैं, और कैलकुलेट करने के बाद आपको परसेंटेज के फॉर्मूला से ये करना है। एक बात बताना मैं यहाँ नोटिस लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो SSC बोर्ड के जो कन्वर्जन फॉर्म है उसके ऊपर पेरेंट्स के भी सिग्नेचर जरूरी है। यही ऊपर भी था जब जो न्यू पैटर्न है CBSE के, तो हर जो SSC के मतलब 10वीं के जितने भी कन्वर्जन फॉर्म है आपका जो भी फॉर्मेट है, हर फॉर्मेट में पेरेंट्स की सिग्नेचर जरूरी है। ये आपको ध्यान में रखनी है, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट है उसके ऊपर जरूरी नहीं है पेरेंट्स के सिग्नेचर। तीसरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ICSE बोर्ड का है तो आपको किस तरह से कन्वर्जन करना है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, टोटल परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया है। तो इस जो परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज दिया है उसी को यहाँ हमें मार्क्स समझ कर कन्वर्ट करना है, उसकी टोटल करनी है और उसके हिसाब से हमें परसेंटेज निकालने हैं, पेरेंट्स के सिग्नेचर, कैंडिडेट्स के सिग्नेचर। अगर आपका IGSEC बोर्ड है तो किस तरह से करने वाला है, ये सैंपल मार्कशीट यहाँ पर एक दी हुई है, उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये जो परसेंटेज ऑफ पर पेपर दिया है उसी को यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी को मार्क्स मानकर, रॉ मार्क्स मानकर आउट ऑफ 100 से कैलकुलेट करके उसको टोटल बनाकर उसके परसेंटेज निकाले हैं, पेरेंट्स और कैंडिडेट सिग्नेचर। अगर आपका IB बोर्ड है तो अगर उसका आपको कैलकुलेट करना है, ये सैंपल यहाँ पर दी हुई है मार्कशीट, यहाँ पर जो परसेंटेज इक्विवेलेंट दिए है उसी को मार्क्स मानकर उसी को कन्वर्ट किया है। आप देखेंगे ये कैलकुलेशन किया है, ये सैंपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान कर दिया है गवर्नमेंट ने हमारा काम कन्वर्जन का, ये सैंपल देकर आपका जो मार्कशीट है उसके ऊपर अगर परसेंटेज नहीं है तो आप किसी भी सैंपल में से, जो भी सैंपल है आपके मार्कशीट से मैच करता है डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन या 10वीं या 12वीं का, तो इस सैंपल की मदद से हम ये बड़े आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।